तो दोस्तों, ये ओप्पो F9 प्रो और आप सभी को पता है ओप्पो F9 प्रो का अपडेट आने वाला है 4 दिन बाद, यानी 30 अप्रैल को फास्ट बैच मिलने वाला है। तो मेरे को बहुत सारे, मेरा सब्सक्राइबर है मेरा ग्रुप में, जो जितने सारे बंदा है वो पूछ रहा था Galaxy S7 का क्या क्या फीचर आने वाला है, क्या क्या नया फीचर ऐड होगा, उसके बारे में एक वीडियो बनाऊँ। तो इस वीडियो में बनाने वाला हूँ Galaxy S7 का जो फीचर आपको ओप्पो F9 प्रो और F9 मिलेगा, उसका सारे डिटेल्स, जितना सारे फीचर आएगा सभी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, एक नया वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं। मैं नहीं, आप देख रहे चैनल टेक्निकल एनबी। तो चलिए देख लेते हैं ओप्पो F9 प्रो और ओप्पो F9 में Galaxy S7 के साथ जो नया फीचर आएगा वो क्या क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे एक Realme C3 का गिवे चल रहा है। अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्दी पार्टिसिपेट कर लो। और दूसरा चीज़, F9 और ओप्पो F9 प्रो का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो जल्दी से ज्वाइन कर लो। व्हाट्सअप ग्रुप फुल हो गया है यहाँ पे, तो टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग जानकारी देते हैं और डिस्कशन भी करते हैं अपडेट के रिलेटेड। तो यहाँ पर ओप्पो F9 और ओप्पो F9 प्रो में जो अपडेट आने वाला है Galaxy S7 का ट्रायल, वो 30 अप्रैल को होगा। और कब आएगा, क्या आएगा, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप देख लो, मेरे चैनल पे चेक कर लो। तो Galaxy S7 अपडेट तो अभी तक नहीं आया, मतलब मैं दिखाऊंगा आपको Galaxy S7 में क्या क्या फीचर ऐड होने वाला है। तो जिस मोबाइल में दिखाने वाला हूँ वो एक है ओप्पो Reno 10X Zoom और Realme 3 Pro, दोनों मोबाइल मिला के कम्बिनेशन करके आपको दिखाऊंगा क्या क्या फीचर इस ओप्पो F9 प्रो में आपको मिलने वाला है। और जितने सारे फीचर्स मैं दिखाऊंगा सारे फीचर्स इस मोबाइल में मिलेगा। तो पहले ही मैं बता देता हूँ, ओप्पो F9 प्रो का नहीं दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन ओप्पो F9 प्रो में ये सेम फीचर ही आएगा जो ओप्पो Reno 10X Zoom में आया है, Realme 3 Pro में आया है, सब फीचर यहाँ पर सेम आएगा। तो देख लो क्या क्या फीचर है। ये Galaxy S7 है, Android 10 भी है इसमें, Realme वाला Realme UI बोल के इसको ही लेके आ रहा है, लेकिन बोल रहा है कुछ नया नया फीचर यहाँ पे दिया हूँ। कैमरा में देखिए बहुत सारे चेंज आया है, टोटली कैमरा का जो इंटरफेस है यहाँ पे गूगल कैमरा की तरह हो गया। तो गूगल कैमरा अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पता चलेगा यहाँ पे नाइट मोड आ गया, वीडियो मोड आ गया, फोटो मोड आ गया, पोर्ट्रेट आ गया। मोड पर जाओगे तो यहाँ पे एक्सपर्ट मोड, स्टिकर, गूगल लेंस, पैनोरामा, टाइम लैप्स, स्लो मोड मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा में आपको यहाँ पे वीडियो, पोर्ट्रेट मोड पे टाइम लैप्स, स्टिकर, पैनोरामा मोड आया। तो यहाँ पे मेन जो चीज़ कैमरा में टोटली यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है, और कैमरा क्वालिटी भी यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर आ रहा है। कैमरा का जो यूज़र इंटरफेस है वो टोटली यहाँ पे चेंज हो चुका है। दूसरा चीज़, अगर आप होम स्क्रीन और सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन में, यहाँ पे जाके सेट थीम, सेट वॉलपेपर, ये वाला ऑप्शन था। और होम स्क्रीन में ड्रायर मोड, सिंपल मोड, ये तीन चीज़ यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे आइकॉन स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, जो Realme UI में बोलते हैं वो खुद लेके आया है, एक्चुअली Galaxy S7 का ही फीचर है। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो आइकन, मटेरियल स्टाइल कर सकते हो, डिफॉल्ट कर सकते हो, पेवल कर सकते हो, कस्टम कर सकते हो, ये सारे चेंज आप यहाँ पे कर सकते हैं जो इस ओप्पो Reno 10X जो में आ गया है इस अपडेट के साथ। और लॉक स्क्रीन मैगजीन जो था वो तो था ही पहले, ऐसा कोई बात है नहीं। उसके बाद इसका जो कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर फ्लोटिंग हो गया। आप चाहे तो इसको फ्लोटिंग की तरह यूज़ कर सकते हो, कुछ ऐप के ऊपर यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो बहुत ही बढ़िया है, ये एक नया फीचर है। और जो डिजाइन है इन फ़ोन का वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, आइकन से लेकर सारे चीज़ यहाँ पर चेंज हो चुका है। और यहाँ पे जो मेन चीज़ नोटिफिकेशन पैनल है वो टोटली यहाँ पे चेंज हो चुका है। Realme UI का अलग होता है और Galaxy S7 का यहाँ पे अलग हो गया, ये ऑप्शन आ चुका है इसमें। और यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्डर वाला जो ऑप्शन था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला जो ऑप्शन Galaxy S6 में होता था उसमें बहुत ही प्रॉब्लम था, स्क्रीन रिकॉर्ड के टाइम ऑडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाते थे, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे लेकिन चेंज हो गया है। स्क्रीन रिकॉर्डर आप यहाँ पे कर सकते हो, ये देखो स्क्रीन रिकॉर्डर टोटली नया लुक्स में आ गया। और सेटिंग्स पे अगर जाओ यहाँ पे तो माइक्रोफोन साउंड होगा, रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड आएगा। और यहाँ पे सिस्टम साउंड भी रिकॉर्ड होता है, लेकिन इसमें सिस्टम साउंड नहीं दिया है, बाद में सिस्टम साउंड भी यहाँ पे आ जाएगा। और वीडियो रेजोल्यूशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे अच्छा चीज़, फ्रंट कैमरा का इस्तेमाल यहाँ पे आप कर सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम। तो ये एक बड़ी बात है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे टोटली अलग हो गया और चेंज हो गया, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वाला जो ऑप्शन था उसमें भी चेंजेस लाया गया है। स्क्रीनशॉट आप ऐसे ले सकते हो और इसमें डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, चाहे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो, ये वाला ऑप्शन आ चुका है। और ये वे इसमें सबसे जो ज़्यादा वाला ऑप्शन अच्छा है वो है, आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप थोड़ा ही यहाँ पे करो तो थोड़ा ही यहाँ पे मिलेगा। मतलब ये ऑप्शन Galaxy S7 के साथ आया है, ये वाला एक बड़ी फीचर है, इसका आप इस्तेमाल
कर सकते हो। उसके बाद ये जो स्लाइड बार है, स्लाइड बार भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, पहले स्क्वायर टाइप पे आता था, अब ये रेक्टेंगल की तरह आ रहा है। आप चाहे तो यह कि आपका खुद का जो ऐप ज़्यादा यूज़ करते हो यहाँ पे शॉर्टकट आप बना सकते हो। ये टोटली चेंज हो गया है और यहाँ पे देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद अगर सेटिंग्स में जाओ यहाँ पे और मेनू टूल में जाओ तो नेविगेशन एंड गेस्चर में भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। नेविगेशन बटन यहाँ पे स्वाइप गेस्चर फ्रॉम बोथ साइड हो चुका है और नेविगेशन गेस्चर जो है यहाँ पे इम्प्रूव हो चुका है, ये वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ऐप क्लोनर ऐप में आप पहले से ज़्यादा ऐप यहाँ पे क्लोन कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे आ चुका है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे डार्क मोड वाला ऑप्शन आया है, डार्क मोड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। आई केयर वाला ऑप्शन नया आया है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको अगर ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो तो डार्क मोड और आई केयर बहुत ही अच्छा होता है आँखों के लिए, ये वाला ऑप्शन आया है। स्क्रीन कलर मोड में विविड जेंटल ये तो था, इसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है। और लो ब्राइटनेस फ्लिकर फ्री आई केयर यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अदर वायरलेस ऑप्शन में यहाँ पे डुअल चैनल वाला जो ऑप्शन है वो अब इनेबल हो गया है, वो वाला भी आपको यहाँ पे स्मार्ट एक्सेलरेशन वाला ऑप्शन आया है और स्मार्ट नेटवर्क एक्सेलरेशन वाला भी ऑप्शन यहाँ पे आया है। तो ये भी एक नया चेंज है जो पहले नहीं था, कलर 7 के साथ ये आया है। तो दोस्तों ये था सारे फीचर जो इस ओप्पो F9 प्रो और ओप्पो F9 प्रो में आएगा, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर है। कैमरा तो टोटली यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कैमरा का क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा और जो यूजर इंटरफेस है वो भी अलग हो जाएगा। और सबसे बड़ा चीज़ इसमें जो आइकन है, मेरे को सबसे अच्छा लगा वो आइकन वाला, जो आइकन आप आपकी तरफ से कस्टमाइज कर सकते हो। और मेरे को कमेंट में बताओ आपका कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगा इस कलरवेज 7 में। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज वीडियो इतना ही, बाय।